हेलो स्टूडेंट्स, आमे पूर्व क्लास रे तुम्हारा द्वितीय अध्याय जहाँ नाम था वास्तव संख्या विषय आलोचना करते जहाँ मध्य रही आम स्वाभाविक संख्या संप्रसारित स्वाभाविक संख्या पूर्ण संख्या परिमेय संख्या एवं ताहर आमर जोग प्रक्रिया एवं गुणन प्रक्रिया मध्य किसी नियम आलोचना करते जमीक समृद्धि नियम क्रम विनिमय नियम सहयोगी नियम विलोमी नियम बंटन नियम यहपर आम आलोचना करते वर्तमान देखा से वास्तव संख्या मान रही किसी गुरुत्वपूर्ण धारणा प्रथम देखा विभाजन पद्धति प्रथम आसला विभाजन पद्धति विभाजन पद्धति यही सूत्रटा मन रख दियो जो कौन आसो भाज्य जीवलू भाजक गुणन भागफल मिशाण भागशेष जहाँ को युक्लिडीय पद्धति कहुए बुझा पड़ू तो आम से कौन करे जे विभाजन पद्धति रे भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणन भागफल मिशाण भागशेष तो यही चारोटी आमर जदि जो गोटे संख्याटी आमको जाना ननकर आम भागफल जाना ना कि आम भाजक जाना ना जहाँ मध्य गोटे संख्यार जब मूल्य आमको जाना नाले आम से मूल्य यही सूत्र उपाय काढ़ीपर जहाँ को कहती युक्लिडीय पद्धति वर्तमान देखा युग्म एवं अयुग्म संख्या तो ये युग्म अयुग्म संख्या कहले कौन बुझ तुम मैंने षष्ठ सप्तम पढ़ी आसो तो जो संख्या गुड़िक दुई द्वारा विभाजित होदाहरण कौन मन कर लिखा छह अठर चबीश यही संख्या गुड़िक दुई द्वारा विभाजित हो जो संख्या गुड़िक दुई द्वारा विभाजित होती युग्म संख्या बुझा पड़ी एवं अयुग्म संख्या कौन युग्म संख्यार ठीक अपोजिट माने कौन जो संख्या गुड़िक दुई द्वारा विभाजित हो पार ना ताकि अयुग्म संख्या कहुए उदाहरण कौन देखा नह नह के दुई द्वारा विभाजित हो पार ना मन कर तेईस नवा तेईस दुई द्वारा विभाजित हम नहीं सतैश तो यू आम युग्म अयुग्म संख्या रूप में आम विचार को नहीं था। नेक्स्ट देखा मौलिक और योग्य संख्या मौलिक और योग्य संख्या कहले कौन बुझ जो संख्या गुड़िकर मात्र दुईट गुण नियोग रही था मन रख जो संख्या गुड़िकर मात्र दुईट गुण नियोग रही मौलिक संख्या कहुए उदाहरण कौन आसो मन कर सात लिखी ये केिखिली सात सतर गुण नियोग किए किए आसो सतर गुण नियोग किए किए आसो गोटे साधारण गुण रही रही एक जो संख्यार मध्य एक हूँ गोटे गुण नियोग से जो संख्या हूं ना कहीं जिते बड़ संख्या हूं ना कहीं से एक हूँ गोटे गुण नियोग एवं एक एवं से ही संख्या जो संख्या को आम नहीं आम क्यों संख्या नहीं सात नहीं तो एक एवं से ही संख्या जदि मात्र दुईट गुण नियोग जदि आम आसूचे ताहले आम ताकू मौलिक संख्या कहुए तो यठार आमर सतर गुण नियोग किए रहा एक एवं सात तो यठार दुईट मात्र गुण नियोग रही तेणु आम यहाँ मौलिक संख्या कहीपर मन कर जदि आम तार पर संख्या मन कर आठ आम विचार ना आठ रुण नियोग किए किए आसो देखा आठ रू किए आसो एक आसो गुण नियोग खंदा को जीवा के आसो दुई दुई चौक आठ अच्छे कि ना से भाव आम फोर पाइपर एवं एट मध्य पाइपर तो यठार आम कौन हो दुईट गुण नियोग पाइले कि ना कतोटी पाइले ये आम चारोटी गुण नियोग पाइले बुझा पड़ी तो एथिरु आमे जानिले जो संख्यार जो स्वाभाविक संख्या बा वास्तव संख्या जो संख्यार आमर मात्र दुईट गुण नियोग रही ताहाकु मौलिक संख्या कहुए एवं दुई रु अधिक गुण नियोग रही आमे योग्य संख्या कहीपर। नेक्स्ट देखा मौलिक संख्या जोड़ा ये जो मौलिक संख्या जोड़ा कहले कौन बुझ मौलिक संख्या जोड़ा कौन जहार ग साकु एक थी जहाँ ग साहु कौन थी एक थी देखा ये मन कर आम सात एवं आठ को नहीं सात एवं आठ मध्य क्यों संख्या दुईट मिशुची क्यों संख्या दुईट मिशुची क्यों गुण नियोग एमती किसी गुण नियोग अच्छे जोटा उभय सतर अच्छे एवं आठ मध्य अच्छे कौन अच्छे एक अच्छे एवं जदि आम सात एवं आठ रु जब ग साहु निर्णय करवा ये केवल एक ही आस बुझा पड़ी ताहले आमे कौन जाने जो संख्या जोड़ार ग सागु गरिष्ठ साधारण गुण नियोग बुझा पड़े जो संख्या जोड़ार तुम्हें जहाँ मध्य संख्या नियो ना कहीं से दुई तीन हो कि तीन चार कि जहाँ मध्य हो काढ़ुचान साधारण गुण नियोग केवल गोटे थी कौन एक ही थी जो संख्या जोड़ार गरिष्ठ साधारण गुण नियोग बा ग सागु बस से साधारण गुण नियोग केवल गोटे थी जहाँ कि कौन थी एक ही थी तो से आम कहीपर मौलिक संख्या जोड़ा बुझा पड़े से माने परस्पर मौलिक संख्या जोड़ा माने कौन दुईट संख्या को
आमे संख्या जोड़ा बोली कहते। नेक्स्ट देखा मामूली बा नगण्य उत्पादक, ये जो मामूली और नगण्य उत्पादक मैंने कौन बुझ तुम बही अच्छे सब भल पड़ो। देख मनेकर सात नहीं सात आम गुणनीय किए कि एक से संख्या निजे बुझापी से जदि आम तीन कथा ना तीन आस एक तीन आउ कि गुणनीय ना तेणु ये दुईटी जहाँ आसला संख्या एक से संख्या निजे बुझा पड़ी जो स्वाभाविक संख्यार जो वास्तव संख्यार गुणनीयक एक थी से संख्या निजे थी ताकू मामूली नगण्य उत्पादक कहुए मन रख जो वास्तव संख्यार गुणनीयक एक से संख्या निजे रही आम मामूली बा नगण्य उत्पादक कहुए। सेपरी गण्य उत्पादक कौन गण्य उत्पादक तहार ठीक विपरीत विपरीत माने कौन बुझा से आम जो आठ नहीं कौन कौन आसला एक दुई चार एवं आठ बुझा पड़े तो एठारे से मानकर नगण्य उत्पादक व्यतीत आहरी किसी गण्य उत्पादक रही बुझा पड़े तो ये आम कौन नगण्य उत्पादक अच्छी ये दुईटी हूँ नगण्य उत्पादक जहाँ रे से गुड़ा गण्य उत्पादक ताहले आम कौन कौन जाने मौलिक एवं योग्य संख्या को जिते आम विचार को ना मौलिक संख्या रे मात्र दुईट गुणनीयक रही योग्य संख्या रे दुईट रु अधिक गुणनीयक रही मौलिक संख्या रे जहाँ मध्य आसुचे गुणनीयक ताहाकु आम नगण्य उत्पादक कहते योग्य संख्या रे जहाँ मध्य संख्या आसुचे ताहाकु कहते गण्य उत्पादक मन रखिब आमर मौलिक संख्यार सीमा असीम अटे तुम मौलिक एवं योग्य संख्या जहाँ मध्य नौ सेमानक सीमाटा असीम अटे माने ताहा केबे मध्य सरिबो नाही बुझा पड़े तो यठार आम देखिले सात गोटे कौन हो मौलिक संख्या एवं तहार उत्पादक जहाँ आसला से गुड़ नगण्य उत्पादक कह जाए आठ हूँ गोटे योग्य संख्या एवं सेठारे नगण्य उत्पादक रही गण्य उत्पादक रही मन रख एक रु हजार भितर तुम बही अच्छी देख एक रु हजार भितर वन सिक्सटी एट के एक रु हजार भितर आमर शहे अड़सठ मौलिक संख्या रही मोस्ट इम्पोर्टेंट एवं तुम एमसीक्यू रे मध्य आसी पारे एक रु हजार भितर वन सिक्सटी एट मौलिक संख्या रही हजार रु दुई हजार मध्य जदि नोट अच्छे नोट काढ़ लेख तो ए हजार रु दुई हजार मध्य वन थर्टी फाइव दुई हजार रु तीन हजार मध्य वन ट्वेंटी सेवेन तीन हजार रु चारि हजार मध्य वन ट्वेंटी एवं चारि हजार रु पांच हजार मध्य शहे उन्नीस टी मौलिक संख्या रही एगुड़ तुम केउटी तुम एमसीक्यू मध्य आसपे मनेकर पचार दे पारे दुई हजार रु तीन हजार मध्य केतोटी मौलिक संख्या रही तो सही तुम्हें केते लिखिबो शहे सतैश टी जहाँ मध्य पढ़ाऊँचे तार एमसीक्यू आम एलाना आप्रे रही बुझा पड़े तो देखा नेक्स्ट कौन अच्छे तो आम देखिले मौलिक संख्या और योग्य संख्या किपर आम जाना मौलिक संख्या और योग्य संख्या क्या कह जाए मौलिक संख्या जोड़ा कौन नगण्य उत्पादक और गण्य उत्पादक कौन से गुड़ा आम देखी सारे एवं मन रख जिते आम गोटे संख्या नौ संख्या आम एक भिन्न आउ किसी संख्या गुड़ी बुझा पड़े एक भिन्न आउ किसी आम संख्या पाँच गोटे मौलिक संख्या था बुझा पड़ा तो एक को छाड़ी करी आम आउ किसी मौलिक जिते बेमेंट भांगा चाहवा जिते बार तार उत्पादक निर्णय करवाक चाहवा एक को छाड़कर आम कि अन्य मौलिक संख्या पाचे कौन से गुड़िक मन कर देखा आठ आठ आम कौन लिखिपर आठ जदि आम गसाऊ काढ़ ना षोह जहाँ मध्य अच्छी तुम जो गसाऊ काढ़ चबिश्र मन कर चबिश्र आम काढ़ आठ काढ़ देखा एगुड़ा आम मौलिक गुणनीयक एकक आम प्रकाश करवा मौलिक संख्यार समाह आम प्रकाश करवा एक को छाड़ कर बुझा पड़े तो आम देखा ये कौन हो आठ जो काढ़ कौन आस गुणन दुई गुणन दुई एपर आम आसब गसाऊ काढ़ तुम निज काम जदि आम चबिश को भांगे चेषा करवा कौन कौन आस गुणन दुई गुणन दुई गुणन तीन बुझा पड़े एगुड़िक प्रत्येक गोटे गोटे मौलिक संख्या एगुड़िक प्रत्येक गोटे गोटे मौलिक संख्या एवं एठारे कहा जे एक भिन्न
एक भिन्न बा एक को छाड़ी करी प्रत्येक स्वाभाविक संख्या को आमे अन्य मौलिक उत्पादक भाव आमे प्रकाश कर पारिबा बा आहुरी केतक मौलिक गुड़िकर गुणफल भाव आमे प्रकाश कर पारिबा। तो आमे कौन जाने एक भिन्न एक को भिन्न बा एक को छाड़ी करी आमे एही संख्याटी को अन्य मौलिक गुणफल रूपे प्रकाश कर पारिबा। एही उपपाद्यटी आमर फंडामेंटल थियोरम ऑफ अरिथमेटिक रे अभिहित होइछि बा यूनिक फैक्टराइजेशन थियोरम रे मध्य प्रकाश होइछि। मन रख एही जो उपपाद्यटी रहिछि जहाँ कौन थिला एक भिन्न आमे अन्य मौलिक मानकर गुणफल रूपे आमे गोटे संख्या को प्रकाश कर पारिबा। तो यही उपपाद्य आमर यूनिक फैक्टराइजेशन थियोरम बा फंडामेंटल थियोरम ऑफ अरिथमेटिक्स रे प्रकाशित होइछि। एवं मने रखिबो एक एक मौलिक संख्या नुहे बुझा पड़ुछि। यही कथाटी मन रखिबो जे एक केबे हेले मध्य मौलिक संख्या हेइ पारिबो नाही। तो नेक्स्ट देखिबा कौन स्टैंडर्ड बा कैनोनिकल रूप। तो एठा आमे देखिले एठे जो जौगिक गुड़िया रही आमे ताकू मौलिक मानकर गुणफल रूपे प्रकाश कर पाले बुझा पड़ुछे। जहाँ मत आम जौगिक संख्या नहीं आम कौन कले जौगिक संख्या गुड़िक मौलिक संख्यार गुणफल रूपे आम प्रकाश कर पार्टी जो रूपटी आसला आमर जो रूपटी यही आम प्रकाशित होती स्टैंडर्ड बा कैनोनिकल रूप बोली कह जाए। तो नेक्स्ट देखा परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या कहले आम कौन बुझू तुम्हारू पूर्व क्लास मत कहला परिमेय संख्या भितर आमर एन रहीपर स्वाभाविक संख्या गोटे रहीपर एन स्टार रहीपर संप्रसारित स्वाभाविक संख्या रहीपर एवं पूर्ण संख्या मध्य आम परिमेय संख्या भितर रहीपर एवं ये परिमेय संख्या आसो तहार रूप केमती रहार रूप पी बाय क्यू रोटी क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो जो हर में जहाँ मध्य आम पाइले क्यूरो मूल्य शून हो पार ना। बर्तमान देखा यही परिमेय संख्या गुड़िक आमर नियम सब पालन करना आम पूर्व क्लास में स्वाभाविक संख्या क्षेत्र में समृद्धि नियम क्रम विनिमयी सहयोगी अभेद विलोमी नियम और बंटन नियम आलोचना करी तुम मैंने कहीं मत देखिना प्रथम से ही भिडियो टी देखी आस तापर यही भिडर जहाँ मध्य परिमेय संख्यार किसी नियम कहपर ही तुमको बुझा पड़ो ना कि बुझा पड़ ना। तो यार आम देखिले जे परिमेय संख्या क्षेत्र में आम देखा गोटे जोग क्षेत्र में आउ गोटे देखा गुणन क्षेत्र में आमर सब नियम पालन करुचे कि ना। मनेकर मुझे एक्स हूँ गोटे परिमेय संख्या एवं वाई मध्य हूँ गोटे परिमेय संख्या। तो ये एक्स एवं वाई परिमेय संख्यार ये प्रथम नियमटी रही समृद्धि नियम ये पालन करुचे कि ना ता देखा तुम्हें यठार एक्स मूल्य जहाँ पकई पार तो भग्न संख्या रूप नहीं पार ना स्वाभाविक संख्या तुम्हें पकई पार कहीं स्वाभाविक संख्या कोमें परिमेय संख्या बोलीपर तीन चार एवं जहाँ मत आम वास्तव संख्या ना तामेय संख्यार अंतर्गत कहीं अंतर्गत से पूर्व भिडियो कहुई बुझा पड़ी। तो बर्तमान आम परिमेय संख्या जो जोग करवा मनेकर एठार एक्स एवं वाई हूँ गोटे गोटे परिमेय संख्या एवं तहार जोगफल परिमेय संख्या आस बुझा पड़ुचे। एक्स एवं वाई जदि गोटे परिमेय संख्या हाब तेबे तहार जोगफल एक परिमेय संख्या आसीबो एवं एठारे आम जदि गुणन करिबा ताहले दुईटी परिमेय संख्यार गुणफल सर्वदा एक परिमेय संख्या ही आसीबो। एठारे आम एही सूत्ररु आम जानले जे समृद्धि नियम क्रम विनिमय नियम एवं सहयोगी नियम मन रखिबो ए जो परिमेय संख्या रहिछि परिमेय संख्याटी समृद्धि नियम पालन करे क्रम विनिमय नियम पालन करे एवं सहयोगी नियम पालन करे। ये नियम गुड़िक विषय आम पूर्व क्लास रे बहुत भल भाव आलोचना कर तो आम पूर्व वीडियो रे समृद्धि नियम विषय कहला क्रम विनिमय एवं सहयोगी नियम विषय कहुई क्रम विनिमय क्षेत्र में दुईट संख्यार जोग आणुले सहयोगी क्षेत्र में आम तीनोटी संख्यार जोग आणुले गुणन क्षेत्र में दुईट संख्यार गुणन कर क्रम अदल बदली कर क्रम जदि अदल बदल करुक आम क्रम विनिमय नियम कहुए जदि सहयोगी नियम क्षेत्र देखिबो ताले सेठारे तीनोटी संख्या आसीबो। तो एक क्षेत्र आम जानले जे जोग प्रक्रिया समृद्धि क्रम विनिमय एवं सहयोगी नियम पालन करे यह सत्यता प्रतिपादन करिबा सेटा तुम काम बुझा पड़ुछि। एवं गुणन क्षेत्र में मध्य परिमेय संख्या समृद्धि नियम क्रम विनिमय नियम सहयोगी नियम अभेद एवं विलोमी नियम मध्य पालन करथे मन रख अभेद एवं विलोमी नियम तुम पूर्व क्लास में कहला ये जो अभेद जोगात्मक अभेदटा कि जोगात्मक अभेदटा के
तो कौन अच्छी तो ये जोगात्मक अभेद हूँ शून एवं गुणनात्मक अभेद किए गुणात्मक अभेद एक बुझा पड़ी। तो जोगात्मक अभेद आम जोग क्षेत्र में देखु अभेद तो जोगात्मक अभेद आम जो संख्या को मिसेवा जहाँ मध्य संख्या आणिक आम यही जोगात्मक अभेद शून सहित मिसेले आम कौन पाइबा से ही संख्या ही पाइबा। सेपर गुणन क्षेत्र में आम जदि से ही संख्या को गुणन करवा आम उत्तर ठीक से ही संख्या आस तो आम जदि एक सहित तीन बै पाँच को गुणन करवा उत्तर ठीक से ही तीन बै पाँच ही आस बुझा पड़ी। नेक्स्ट देखते कौन विलोम नियम विलोम नियम मान कौन आसला जोगात्मक क्षेत्र में विलोम नियम एवं गुणनात्मक क्षेत्र में विलोम नियम तो ये कौन आसो विलोम नियम विलोम नियम मन रख जिते बड़े आम दुई बै तीन लिखुंट यार विलोमी आसो माइनस दुई बै तीन बान सैन सब चेंज हो जाए जोग थे वियोग पड़ा और वियोग थे जोग हो मनेकर मुझे पचारि माइनस चार तार उदाहरण तार किसी होमवर्क तुमको पूर्व क्लास रे देली तो माइनस चार के आसो प्लस चार आस बुझा पड़ी। तो यह हूँ जोगात्मक विलोमी से पर गुणात्मक विलोमी कथ देखा जो मनेकर तीन बै पाँच नहीं तीन बै पाँच गुणात्मक विलोमी के आसो पाँच विभक्त तीन सेपरि एक विभक्त तीन रत आसो तीन विभक्त एक बा खाली तीन मध्य आम लिखिपर तो आम ये जोगात्मक विलोमी और गुणनात्मक विलोमी देखिले जहाँकि आम पूर्व क्लास रे आगुरु बुझा जाए पूर्व क्लास से स्वाभाविक संख्या क्षेत्र में आम बर्तमान देखिले यह परिमेय संख्या क्षेत्र में मन रख जोगात्मक विलोमी को ये दुईट जोगात्मक विलोमी आस परस्पर को जदि आम जोग करवा तहार उत्तर सर्वदा जीरो आसो माइनस फोर एवं प्लस फोर को जदि आम मिसेवा तहार उत्तर सर्वदा जीरो ही आसो बुझा पड़ी। एवं गुणात्मक विलोमी परस्पर को जदि गुणन करवा बुझा पड़ी जदि गुणात्मक विलोमी मन रख वन बै थ्री गुणात्मक विलोमी तीन जदि आम परस्पर को जदि गुणन करवा तहार उत्तर एक आसो बुझा पड़ी। ताहले आम दुईटी जोगात्मक विलोमी थिबा संख्या को आम जब जोग करवा ताहले आमर शून आसो एवं गुणनात्मक विलोमी थिबा दुईटी संख्या को आम जब गुणन करवा ताहले तहार मूल्य एक आसो। वर्तमान देखिबा एई त्रिमुखी नियम ये जो त्रिमुखी नियम टी कौन मनेकर एक्स एवं वाई दुईटी परिमेय संख्या एक्स एवं वाई हूँ दुईटी परिमेय संख्या जदि मुझे पचारि एक्स एवं वाई मध्य किए बड़ एवं किए सान तुम्हें कहींपर कि एक्स और वाई मध्य किए बड़ एवं किए सान कहींपर कि ना के आम कहीपर ना जे एक्स बड़ कि वाई बड़ कि एक्स एठार सान कि वाई सान कि उभय परस्पर सामान बुझा पड़ी। तो आठ आम कौन पाइले त्रिमुखी नियम एक्स ग्रेटर देन एक्स लेस देन वाई हो पारे एक्स ग्रेटर देन वाई हो पारे एवं एक्स इजिकल टू वाई मध्य हो पारे तो यही तीनोटी नियम को एक्स वाई पालन करेंगे आम जहाँ मध्य भग्न संख्या नहीं था ना कहीं गोटे भग्न संख्या आउ गोटे भग्न संख्या सान हो पारे गोटे भग्न संख्या आउ गोटे भग्न संख्या ठीक बड़ हो पारे एवं उभय समान हो पारती तो यह कहते त्रिमुखी नियम। तो आम एठार विभिन्न प्रकार नियम एवं सेगुड़ पालन करुचे कि नाई आम ता देखिले परिमेय संख्याटी पालन करुचे कि नहीं ता देखिले एवं मन रख आम एठार गोटे फिल्ड गोटे वार्ड व्यवहार होती ये कौन यूज हो फिल्ड गोटे वार्ड यूज हो तो ये मन रखने एम सिक्यू मध्य पचारे पारती फिल्ड वार्ड टी कौन मन रखे संख्या उभय जोगात्मक विलोमी उभय जोगात्मक गुणनात्मक एवं गुणनात्मक एवं बंटन नियम को पालन करे ताहाकु फिल्ड बोली कहा जाए मन रख जो संख्याटी बा जो संख्यार सेटटी जोगात्मक गुणनात्मक एवं बंटन नियम को पालन करे ताहा फिल्ड बोली कहा जाए बा से संख्यार सेट को फिल्ड बोली कहा जाए एठारे मन रखिबो क्यू एक फिल्ड अटे जी कि जोगात्मक गुणनात्मक एवं बंटन नियम मध्य पालन करे क्यू आमर फिल्ड नियम पालन करे बा क्यू आमर गुणनात्मक नियम पालन करे किंतु जेड एठारे पालन करिवो नाही मन रख जेड केबेले मध्य गुणनात्मक विलोमी पालन करिवो नाही एवं एन स्टार मध्य बा एन मध्य केबे मध्य गुणनात्मक विलोमी
पालन करना क्यू एपर एक संख्या क्यू एपर एक संख्या से जी कि जोगात्मक नियम गुणात्मक नियम एवं बंटन नियम को पालन करता है। एवं मनख एठार आमर गोटे आउ गोटे टर्म यूज होती मनकर ए को आम एन थर मिसेले ए को आम कतर मिसेले एन टाइम्स मिसेले एन टाइम्स माने आपको कौन लिखिपर एन इंटु ए लिखिपर बुझा पड़ी तो यठार ए को जदि एन टाइम्स आम जब मिसेवा जहाँ एन को ए रे गुणवा ता उदाहरण मनकर दुई को आम पांच थर मिसेवा जहाँ पांच थर मिसेले उत्तर के टेन आसव तो आम दुई को पाँच रे गुणवा बुझा पड़ी तो ए क्षेत्र में दुई को पांच थर मिसेवा जहाँ दुई गुण पाँच कले ही उत्तर आसव तो ए क्षेत्र में ए को एन टाइम्स मिसेवा जहाँ ए इंटु एन करवा एन इंटु ए करवा ठीक ताहापरि जदि आम गुणन क्षेत्र में देखा ए इंटु ए इंटु ए इंटु ए टोटल टोटल के टाइम एन टाइम्स माने आपको आम के लिखिपर ए टु दि बाबा एन लिखिपर बुझा पड़ी तो एटा बा ए एन टू दि बाबार एन यही एन टू दि बाबार एन किए आम डिस्कवर करते रेने डेस्कार्ट रेने डेकार्ट ए जो रेने डेकार्ट अच्छा जे कि फरासी गणितज्ञ से ए टू दि बाबार एन को डिस्कवर करते बर्तमान आम किसी संख्या मान सत्यता किसी ना जाणी बा ये जो असमीकरण अच्छे ये असमीकरण मान सत्यता किसी जाणी मनेकर आमर एठारे एस गोटे परिमेय संख्या वाई एवं जेड हूँ गोटे गोटे परिमेय संख्या तो ये परिमेय संख्या बदल आम पी बाय क्यू आकार किसी संख्या नहीं पार्बा जहाँ कि भग्नाश आकार रही पार्बो आमर से वास्तव संख्या नहीं पार कहीं वास्तव संख्या गोटे गोटे परिमेय संख्या तो मोर बुझार सहजापी मुझे टू थ्री एवं फोर को गोटे गोटे परिमेय संख्या हिसाब से नहीं बुझा पड़ी तो देखा ये कौन होदि यठार एक्स लेस देन वाई वाई लेस देन जेड हेले एक्स लेस देन जेड हम तो आम यहाँ देखा मनकर ये टू लेस देन थ्री हो थ्री लेस देन फोर हो देख लुईटा कौन होन ठार छोट एवं तीन टा चार छोट तो ये आम कहीपर कि ना दुईटा चार छोट दुईटा चार छोट कि नहीं तो यठार आम जानले नियम को कहते संक्रमी नियम यही नियम को कहते संक्रमी नियम बा ल ऑफ ट्रांजिटिविटी ल ऑफ ट्रांजिटिविटी माने कौन जदि एक्स लेस देन वाई हुए वाई लेस देन जेड हुए तो एक्स कौन लेस देन जेड हम माने उदाहरण जदि नेबा टू लेस देन थ्री एंड थ्री लेस देन फोर देन वी से दैट 2 is always less than 4 माने दुईटा चार ठार छोट मिंत नेक्स्ट देखा एक्स लेस देन वाई तो यठार कौन होदि एक्स वाई ठार छोट हुए जदि एक्स कौन होट हुए माने उदाहरण ना एक्सटा वाई ठार छोट हुए माने दुईटा तीन ठार छोट है तेज कौन करवा उभय पार्श्वें जेड प्लस करवा उभय पार्श्वें कौन करवा जेड प्लस करवा ये संख्यार उभय पार्श्व आम कौन कर जेड प्लस करवा जेड रैल्यू आम के फोर नहीं तो ये केत आस टू प्लस फोर सिक्स इज लेस देन थ्री प्लस फोर सेवेन बुझा पड़ी तेल ये कौन आसला सिक्स लेस देन सेवेन तो ये आम देखिले जदि एक्स लेस देन वाई हुए तो एक्स प्लस वाई लेस देन वाई प्लस जेड नेक्स्ट देखा एक्स लेस देन वाई और जेड ग्रेटर देन जीरो है बुझा पड़ी जदि एक्स लेस देन वाई जेड ग्रेटर देन जीरो हुए ताहले एक्स जेड लेस देन वाई जेड तो सही रूल ही यही तुम निजे पकेबो एक्स जगह टू वाई जगह थ्री जेड जगह फोर पक तुम्हें तार सत्यता निरूपण कर बुझा पड़ी नेक्स्ट देखा नेक्स्ट मध्य से ठीक से हीपरी बुझा पड़ी तो एक्स हूँ टू वाई हूँ फोर ये हूँ तुम होमवर्क मन रख ये हूँ तुम होमवर्क सत्यता प्रतिपादन कर तो यहाँ कौन होक्स जगह टू वाई हूँ फोर जेड इज इक्वल टू माइनस टू नहीं जाओ जेड इज इक्वल के ना माइनस टू तो ये सूत्रटा आसुच्छे कि ना ये जो सूत्र गुड़ा रही एगुड़िक सत्यता हो ना जदि किसी प्रॉब्लम होते मत कमेंट बॉक्स रे जन पार देख नेक्स्ट देखा एक्स तो आम टू नि फोर नि तो यही सूत्र आसुच्छी कि ना
सत्यता प्रतिपादन कर तुम होमवर्क है सी डी ई रे जहाँ लिखाई सेगुड़िक से संख्या गुड़िक पालन करना जदि पालन करूना तेल मत जमी जना बुझा पड़ी एवं युड़िक असमीकरण सत्यता समस्ते मन रख आज जहाँ जहाँ सब आम देखिले तहार एम सी क्यू मुझे एलआरएनआर आप्रे प्रोवाइड करदे जो एलआरएनआर आप्र लिंक तुम डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड होती। नेक्स्ट क्लास आम परिमेय संख्यार दशमिक रूप देखा एवं आज जहाँ जहाँ सब देखिले से गुड़िक जमी थे पुणी थे आज बस रिवाइज कर दियो। थैंक यू।